हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1A करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। इसमें हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हिंदी पता है आपको क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। रैशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। मैं लेक्चर पार्ट में भी बता चुका हूँ कि इसे क्या बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, मतलब एक रैशनल नंबर है? यदि है तो क्यों है? ठीक है, तो पहला इज 0 इज ए रैशनल नंबर। हाँ, तो आपको क्या लिखना है? यस यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर क्यों है, तो इसमें आपको एक जस्टिफाई भी करने दिया है। बिकॉज बिकॉज इसलिए है क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसे हम लोग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन पी बाय क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू कैन बी एनी इंटीजर नॉट इंटीजर डिजर्स एक्सेप्ट 0। मतलब कि 0 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसे यदि ध्यान से समझे, तो जैसे मैं आपको ऐसे नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो हमारा ये पी है, हमारा ये क्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रैशनल नंबर डेफिनेशन हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो 1 के बराबर है। दैट मीन 0 रैशनल नंबर हमारा होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइन। तो हमें सबको रैशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, या आप लोग क्लास 8 में भी बनाया हो, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, जैसे 5/7 है, क्लियर है ना? तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से यहाँ तक 2 है। फिर लेफ्ट साइड में क्या आएगा? -1 और -2, इस तरीके से होता चला जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग का जो डेनोमिनेटर है उसे हम लोग डेनोमिनेटर पे लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे 5/7 है, तो हमको स्टार्ट करना है 1/7, 2/7, 3/7, इस तरह करके हम लोगों को स्टार्ट करना है। हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/7, फिर लिखते हैं 2/7, फिर लिखते हैं 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। ठीक है, जो कि हमारा 1 आ जाएगा। 7/7 क्या आ जाएगा हमारा? ये 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ रहने देते हैं। हमें क्या लेना था? 5/7 लेना था। तो ये हो गया हमारा 5/7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/7। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग दो प्रोसेस से बना सकते हैं। एक तो ऐसा है, और आगे हम लोग बता रहे हैं आपको। पहले हम आपको नॉर्मल वाला बता देते हैं, फिर हम आपको एडवांस वाला बता देंगे। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे 0 दे देंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, फिर इधर -1, फिर -2। माइनस ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे माइनस है नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, ठीक है, 7/3, मैं इसे काट देता हूँ, 8/3, 9/3। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आ गया। इसे हम लोग 1 कर देते हैं, इसे रहने देते हैं, इसे हटा देते हैं हम लोग, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। मतलब मान, इसे हम लोग रखते ही नहीं है, इसे क्लियर कर देते हैं हम लोग, बस इसी को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? 8/3। तो 8/3 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम यहाँ 8/3 पर डायरेक्ट रख सकते हैं,
यदि आप लोगों को करना है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, 3/8, देन 3 2 6 क्या बचा, 2, देन 2 2/3। हम लोग इसको इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। देखिएगा ये आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा पहले वाले से। पहले वाले में थोड़ी सी गलतियाँ भी होती है, ये हो सकता है ये गलती भी हो सकता है आप लोगों से। तो 0 लिखेंगे, फिर हम लोगों का ये पैक क्या है, हमारा कॉटन 2 है, तो 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3, तो ये हो गया 2 हमारा यहाँ पे। उसके बाद 2/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3, डैट मीन 2/3, ठीक, क्लियर है। उसके बाद 3/3 क्या हो जाएगा हमारा, ये तो बस 3 ही हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, बस इसे हम लोग घेरा कर देंगे, ऐसे लिख देंगे कि आंसर लिख देंगे, चाहे हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ का पॉइंट कर देंगे 2/3। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 2/3, इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है -23/6, तो हम लोग पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 23, देन 6 3 18, लेफ्ट 5, देन क्या आ जाएगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, -3 5/6। क्यों आएगा -3 5/6, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा इस बार नेगेटिव है तो मतलब लेफ्ट साइड में लेके जाना है, हम लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस रखेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। तो -1 -2 -3, ये -3 को अचीव कर लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या है हमारा 5/6, तो हम लोग लिखेंगे 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6, तो ये 6/6 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, -4, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ठीक है, 5/6, तो -3 5/6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -3 5/6 इज माई आंसर। यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देंगे इस तरह करके, चाहे इसे हम लोग पॉइंट कर देंगे जिससे हम लोग को पता चले। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1.3, तो 1.3 को लिख सकते हैं हम लोग, जब इसका पॉइंट को हम लोग रिमूव करेंगे, डेसिमल को जब हम इनका रिमूव करेंगे तो डेनोमिनेटर में 10 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर के बाद एक डिजिट था इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन 10 1 10, 3 आ गया, देन 1 3/10 लिख सकते हैं हम लोग। अब एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया 0, हम लोग लेके चलेंगे 1 1, तो लिख लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो हमें 3/10, देन ये क्या हो जाएगा, 1/10 2/10 3/10, तो ये है। तो हम लोग ऐसे पॉइंटिंग करके, चाहे हम ऐसे एक एरो दे के लिख सकते हैं 1 3/10, और चाहे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/3, क्लियर है। आप 1 1 3/10 भी लिख सकते हैं और 1/3 भी लिख सकते हैं। यदि आप 1.3 लिखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन था वही मतलब आप डिनोट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, 3 5/6 लिखा, तो यहाँ पे यदि हम और लगा के लिख सकते हैं -23/6, जो कि और यूनिक लगेगा, मेरे आंसर को वो मैच करेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 2 20, ये 4 आ गया, देन 2 4/10, देन 2 2 4 2 5 10, तो क्या आ गया 2 2/5, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस में तो माइनस तो देना ही होगा हम लोगों को, 0 1 2 3, यहाँ पे देंगे -1, फिर देंगे -2, फिर क्या 2/5, दैट मीन 1/5 2/5, तो ये आ गया हमारा। तो हम इस पॉइंट दे के, चाहे हम यहाँ एक एरो लिख के क्या लिखेंगे, हमारा -2.4 इज द आंसर, ठीक है। तो देन 2.4, देन 3.5, 4.5, देन 5/5, दैट मीन क्या हो जाएगा -3, क्लियर है।
देखिए जैसे ही मान के चलिए आपका आ जाता है 5/5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन होता है, ठीक है, माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस टू के बाद क्या आएगा, माइनस वन तो आएगा नहीं, तो माइनस थ्री यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को रिप्रेजेंट भी समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।